बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमर टीवी पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये गाड़ी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोयोटा हाईएस है, 1986 मॉडल है और यह गाड़ी फॉर सेल है। कहाँ पे खड़ी है, ओनर का नंबर और इस गाड़ी की पूरी कंडीशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड, ये पीर मालिक सिटी है चीचा वतनी कमालिया के नज़दीक, वहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है और इसके ओनर का नंबर मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। 12 लाख रुपये इस गाड़ी की वो प्राइस मांगते हैं कैश पर, इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों पे वो सेल नहीं करते, कैश पे सेल करते हैं 12 लाख रुपए में। अगर कोई ख़रीदार मुखलिस होकर, सीरियस होकर इस गाड़ी की ख़रीदारी में दिलचस्पी लेगा तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी कीमत जो है उसमें कुछ कमी की जा सकती है। ठीक है, इसके 4 टायर बिल्कुल न्यू हैं और 1 माह पहले ये गाड़ी तैयार करवाई गई है। 1 या 1.25 माह पहले इस गाड़ी को उन्होंने तैयार करवाया मुकम्मल तौर पे, हर चीज़ इसकी नई डलवाई गई है, टायर इसके नए हैं और इसकी पोशिंग वगैरह ज़बरदस्त है। मैं पूरी गाड़ी आपको दिखाऊंगा। तो मॉडल मैंने आपको बता दिया, 1986 मॉडल है, चीचा वतनी के साथ पीर मालिक सिटी है, वहाँ पर यह गाड़ी खड़ी है। कंप्यूटर कापी है, फैसलाबाद का नंबर है, कंप्यूटर नंबर प्लेटें हैं और इसकी कॉपी, इसकी फाइल सब कुछ कंप्यूटर है। कागजात में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो यह गाड़ी बराए फरोख्त है, आप ओनर से बात करके ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अभी रिव्यू बाकी है इस गाड़ी का, पूरी गाड़ी आपको दिखाई जाएगी और ओनर का नंबर वीडियो में है। मैं 2-3 दफ़ा यह लफ्ज़ दोहरा चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है एक लफ्ज़ बार बार दोहराना, मगर बाद औकात वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्त जो है ना गाड़ी की कीमत के हवाले से गिला देते हैं और गाड़ी के मालिक के नंबर के हवाले से इतराज़ उठाते हैं कि आप गाड़ी के मालिक का नंबर नहीं मेंशन करते और गाड़ी की प्राइस नहीं बताते। मैं उसी गाड़ी की प्राइस बताता हूँ जिसकी प्राइस मालकान ने मुझे बताई होती है, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके मालकान प्राइस वाला मामला जो है वो अपने पास रखते हैं। देखें, किसी बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी चीज़ पे, वो उसे सेल करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से सेल करेगा ना। ये तो एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल आप दोस्तों की मोहब्बत, आपके प्यार, आपके तावन और आपकी पसंदीदगी की वजह से चल रहा है। तो आपका चैनल वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि एक सेल की चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है। मगर मालकान जो हैं बाद अवकात ऐसा करते हैं कि वो गाड़ी की, ट्रक की, डंपर की, ट्रेलर की वो प्राइस जो है उसका मामला अपनी हद तक रखते हैं। तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं होता, आपको भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।